वीडियो पॉज करो, खुद सॉल्व करने की कोशिश करो, देखो एक अच्छा सा क्वेश्चन तुम कर सकते हो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट क्लोजर टू द ब्लैक बॉडी, कौन सा इसमें से ब्लैक बॉडी के बहुत पास है। ठीक है, चलो तो ब्लैक बॉडी के कौन सा पास है, एक ब्लैक लैंप देखे हो ना, जो काली होती है, काली, ठीक है, घरों में निकलता है ब्लैक लैंप, देखे होगे ब्लैक, क्या ब्लैक लैंप एक्चुअली ब्लैक बॉडी है? नहीं, देखो एक्चुअली जो नियरली आइडियल ब्लैक बॉडी इस दुनिया में है ही नहीं यार। ब्लैक बॉडी ऐसी होती है पीबीबी, ठीक है, पीबीबी हो मतलब एग्जिस्ट ही नहीं करती है। ऐसी ब्लैक बॉडी जिसपे जो भी रेडिएशन पड़ता 100% ऑब्जॉर्व कर लेती है, ऐसा कोई रेडिएशन ऐसी अभी नहीं है। तो इसमें से कौन क्लोजर है, तो क्लोजर कौन है, कौन से इसमें से क्लोजर है, तो ब्लैक लैंप जो होता है, अगर आप पढ़े हुए थियरी, तो ये लगभग 96% ऑब्जॉर्व करता है, इसकी ऑब्जॉर्वेशन लगभग 96% होती है, जो ब्लैक लैंप आप देखे होंगे, ठीक है। और कैविटी मेंटेन एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, ये आप पढ़े होंगे। एक फेरी ब्लैक बॉडी आती है, फेरी ने एक ब्लैक बॉडी डिजाइन किया था, उसी के नाम से बोलते हैं फेरी ब्लैक बॉडी, कुछ इस टाइप का होता है। इसमें हम एक सर्कुलर होल बॉडी लेते हैं और एक होल क्रिएट कर देते हैं और अंदर से ब्लैक पॉलिश कर देते हैं, अब इसमें इस होल से लाइट पास करा देते हैं, ठीक है, कोई रे पास करा देते हैं लाइट, तो ये जो रेडिएशन है वो यहाँ से एक बार में 96% ऑब्जॉर्व हो जाएगा, क्योंकि इधर ब्लैक पेंट है, ब्लैक लैंप वगैरह का इधर ब्लैक इस तरह से पेंटिंग है, तो यहाँ से जो है अब इस तरह से 90% ऑब्जॉर्व हो जाएगी एक टाइम में। तो कुल मिला के ये नियरली ब्लैक बॉडी होती है, मतलब एक बार चली गई तो उसका निकलना मुश्किल है यार, ठीक है, क्योंकि एक बार में 96% अगर ब्लैक लैंप इधर रख देता हूँ तो 96% ऑब्जॉर्व होती, तो दैट इज द नियरली ब्लैक बॉडी। प्लेटिनम ब्लैक नहीं होता है, ठीक है, लैंप चारकोल हीटेड टू हाई टेम्परेचर ये भी नहीं होता है, ठीक है। चलो द विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ एक्सप्रेस द रिलेशन बिटवीन, अब आपको पता होगा कि विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ, विंस जो है वो लॉ दिया था, वो किसके रिकॉर्डिंग था, विंस मैक्सिमम वेव लेंथ और ब्लैक बॉडी के टेम्परेचर, ठीक है, दैट टेम्परेचर कॉरस्पॉन्डिंग टू मैक्सिमम वेव लेंथ एंड टेम्परेचर, फर्स्ट ऑप्शन ही सही है, ठीक है, दैट इज द डायरेक्ट स्टेटमेंट ऑफ विंस लॉ, ये ज्यादा कुछ नया नहीं है, दैट इज द वेव लेंथ कॉरस्पॉन्डिंग टू मैक्सिमम एनर्जी एंड टेम्परेचर, ठीक है। अगर कोई बॉडी है, ठीक है, अब ये जो बॉडी है ब्लैक बॉडी है, अगर ये एनर्जी रेडिएट करती है, तो ये एनर्जी अगर रेडिएट करती है तो ये जो एनर्जी रेडिएशन में एक खास वेव लेंथ लैम्डा मैक्स, वो लैम्डा मैक्स उस एनर्जी से उस टेम्परेचर पे इनवर्स में रिलेशन है, ठीक है, काफ़ी बार आया है।